तो यार यहाँ पर आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ Redmi Note 5 या Redmi 5 Plus डिवाइस को लेकर, क्योंकि यार मुझे काफी सवाल से देखने को मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि यार हमें Android जो पाई है वो कब तक देखने को मिलेगा, MIUI 11 कब तक देखने को मिलेगा, अभी नहीं देखने को मिला, कितने दिन लगेंगे, Android पाई जो है क्या वो MIUI 11 के साथ मिलेगा या उसके साथ हमें और अपडेट आएगी उसमें मिलेगा या उससे आगे अपडेट आएगी। तो यार यहाँ पर मैं डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आपके ही Redmi Note 5 के लिए या Redmi 5 Plus के लिए। यार अगर तो इस वीडियो में इंटरेस्ट होना, वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि यार आपको इन्फॉर्मेशन आपके ही फोन की टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपको बता दूं कि यार जो 4G वोल्ट है उसके भी काफी सवाल से मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा Android पाई को लेकर, जो कि काफी सवाल देखने को मिले कि यार Android पाई क्या हमें देखने को मिलेगा MIUI 11 में जब हमें अपडेट देखने को मिलेगी। एक्चुअली यार आपको बता दूं MIUI 11 आपको MIUI 11 की जो अपडेट अभी देखने को मिलेगी हमें उसमें Android पाई नहीं देखने को मिलने वाला। ये आपको मैंने बहुत ही पहले कन्फर्म कर दिया था कि यार Android पाई जो है वो हमें MIUI 11 के साथ देखने को मिल ही नहीं सकता। यार जो कि Xiaomi है वो हमें एक अपडेट बहुत ही मतलब के डिले कर करके दे रही है, तो हमें और Android पाई साथ देना फिर तो यार पहले हमें एक साल लगाए उसके बाद हमें 2-3 साल और लग जाएंगे। तो यार यहाँ पर Xiaomi ने जो के है हमें सिर्फ MIUI 11 देने का इरादा किया है, ना कि Android पाई अभी के लिए। अब ये नहीं बात कि भाई Android पाई जो है वो हमें देखने को मिलेगा ही नहीं फ्यूचर में। एक्चुअली यार देखने को तो मिलेगा हमें Android पाई जो है वो मगर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा, मगर Xiaomi हमें कब देती है उसके बारे में अब हम बाद में बात करते हैं। मगर Android पाई ये तो मैं आपको कन्फर्म बता दूं मिलने तो वाला है, मगर अब ये नहीं कन्फर्म कि यार किस अपडेट में देखने को मिलता है। हो सकता है कि यार MIUI 11 की अब जो अपडेट आएगी उसमें दे, मगर यार यहाँ पर एक चीज इसके लिए भी दिक्कत आ जाती है कि यार पिछली अपडेट जो थी वो हमें पहले पिछले साल मिली थी और अब जो अपडेट है वो हमें इस साल मिली है। अब अगर Xiaomi अगले साल अपडेट देता है तो यार हो सकता है कि जो Android पाई है वो हमें देखने को मिल भी सकता है हमारे Redmi Note 5 में। मगर मैं यही यार Xiaomi को रिकमेंड करूंगा कि यार अपडेट जल्दी दे, फोन्स के जो यूजर्स हैं उनको यार काफी नीड है अपडेट की, जो कि काफी सारे बग देखने को मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। और उसके साथ यार यहाँ पर मैं बात करूंगा MIUI 11 को लेकर कि यार MIUI 11 के बारे में काफी सवाल है मुझसे कि यार क्या MIUI 11 हमें देखने को मिलेगा या नहीं। यार एक्चुअली आपको बताऊं Xiaomi के कुछ इरादे कुछ इस तरह के हैं कि यार अपडेट हमें ना ही दे दो अच्छा है, क्योंकि यार हमें जो पहले बग देखने को मिले वही अब भी बग देखने को मिल रहे हैं। बैटरी का बग ज्यादा है, फोन लैगिंग का बग ज्यादा है, तो यार ये एक मेजर बग्स है। यार अगर ये भी बग फिक्स नहीं होते तो फिर अपडेट का फायदा कुछ नहीं है। यार अकेला सिक्योरिटी लेवल पे और 2-3 फीचर्स दे देने से यार काम नहीं चलता, एक्चुअली बग भी फिक्स होने चाहिए जो कि एक डिवाइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यार यहाँ पर कोई भी जो बग है वो फिक्स नहीं किया गया है। यार मगर आप लोग ये सवाल कर रहे हो कि MIUI 11 कब देखने को मिलेगा, एक्चुअली यार MIUI 11 आपको एंड ऑफ दी जो नवंबर है उसमें देखने को मिल सकता है या आपको फर्स्ट ऑफ दिसंबर भी देखने को मिल सकता है, या उसके बाद यार अगर Xiaomi जो है वो डिले कर देता है कोई इन जो जो बग्स हमें देखने को मिल रहे हैं उनकी मदद से ये बोलता है कि यार इनमें कोई बग्स है हम इनको फिक्स करेंगे कुछ टाइम में फिर आपको रोलिंग आउट दोबारा से देंगे कुछ यूजर्स को, तो यार इसमें फिर हमारे लिए टाइम लग सकता है कुछ। और इसलिए यार यही मैं रिकमेंड करूंगा Xiaomi को कि यार हमें अपडेट जो है वो एंड ऑफ नवंबर दे दें, क्योंकि यार यूजर्स को बहुत ज़्यादा नीड है न्यू फीचर्स की। और यहाँ पर यार अब बात करते हैं 4G वोल्टे को लेकर कि यार 4G वोल्टे क्या हमें देखने को मिलेगा हमारी डिवाइस में या नहीं Redmi Note 5 में या Redmi 5 Plus में। यार एक्चुअली जो Redmi 5 Plus डिवाइस है इसमें हमें ड्यूल 4G जो वोल्टेज है वो एक्चुअली देखने को मिलने वाला है। अब लोग जो हैं वो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि यार हमें ये कब देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड ओरियो में देखने को मिलेगा या नहीं। यार एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये आपको तब तक नहीं देखने को मिल सकता जब तक आपको एंड्रॉइड पाई नहीं देखने को मिल सकता। यार एक्चुअली ड्यूल 4G वोल्टेज है वो उन डिवाइसेस को मिला है जिनमें के Android पाई था। एक्चुअली जिस डिवाइस में यार Android पाई होगा उससे ही ड्यूल 4G वोल्टेज देखने को मिलेगा, अदरवाइज सारी डिवाइसेस को नहीं देखने को मिलने वाला। तो यार यहाँ पर Android पाई जब तक नहीं आता तब तक हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। एक्चुअली Android पाई यार अब कब आता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं है, मगर आपको ये बता दूं MIUI 11 के साथ हमें Android पाई जो है वो देखने को एक्चुअली नहीं मिलेगा। यार यहाँ पर मैं यही Xiaomi को रिकमेंड करूंगा कि यार अपडेट जो है वो थोड़ा जल्दी दीजिए, बहुत ही लेट हो जाती है अपडेट, या यूजर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार अपडेट शायद मिलेगी नहीं सस्पेंड हो गई है, मगर आप इन्फॉर्मेशन भी कोई नहीं देते इस बारे में कि यार अपडेट आपको मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि जो मी के कस्टमर्स हैं यार आपके वो बहुत ही मतलब के रूड तरीके से बात करते हैं मतलब यूजर्स से। तो यार अगर तो Xiaomi को कोई ये वीडियो देख रहा है तो यार आपको यही मैं बोलूँगा कि यार अपडेट में आप अपना थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेकर आएँ और बग वगैरह जो है उनको फिक्स किया जाए टाइम टू टाइम ताकि यार यूजर्स जो हैं वो आपसे खुश रहें। और उसके बाद यार यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि यार Android पाई कब देखने को मिलेगा, MIUI 11 कब देखने को मिलेगा। MIUI 11 वेट कीजिए,
जो दिसंबर है या उसमें देखने को मिलेगा या एंड ऑफ नवंबर देखने को मिलेगा, अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर तो कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो यार फिर उसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता कि यार Xiaomi क्या करता है, ये सस्पेंड कर देता है या डिले कर देता है कुछ दिन के लिए। या उसके बाद जो एंड्रॉइड पाई है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अब ये Xiaomi पर डिपेंड करता है कि वो हमें अगली अपडेट कब देता है। और उसके बाद डेयर 4G वोल्टेज जो है वो हमें तभी देखने को मिलेगा जब हमें एंड्रॉइड पाई देखने को मिलेगा। तो यार उम्मीद है कि आप सभी को यार आगे होंगे, आपके जितने भी सवाल थे उनका मैंने जवाब दे दिया होगा। यार एक्चुअली मैंने कुछ लोग कमेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनमें मैंने पूरी वीडियोस में इन्फॉर्मेशन बताई होती है, मगर यूजर जो है वो उसी वीडियो में जाकर वही कमेंट कर रहे होते हैं कि यार हमें ये कब मिलेगा, हमें वो कब मिलेगा। अरे भाई पहले जो वीडियो बनाई होती है उसे पूरा देख लीजिए करो, ताकि यार आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए, जो मैंने वो चीज़ सारी मैंने डिटेल के साथ उसी वीडियो में बता दी होती है जो लोग मुझसे दोबारा पूछ रहे होते हैं। तो यार फिलहाल यही रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और आपको ताकि इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि यार आपको इन्फॉर्मेशन आपके ही फोन की टाइम टू टाइम मिलती रहे डिटेल के साथ। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।